हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल. आज जो वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट द ठीक है, कलर घर में हम खुद कैसे करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि COVID-19 चल रहा है, तो पॉलर्स में इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं हुई है, और बहुत से जो बहुत अच्छे अच्छे पॉलर्स हैं वो भी सिक्योरिटी के साथ जो है वो अपने पॉलर्स को नहीं चला, सील हो चुके हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि हमें अपना ख्याल रखना है और घर पे जो है वो हमें अपना टाइम स्पेंड करना है, तो ऑब्वियसली सी बात है जिनके कलर ट्रीटेड हेयर हैं वो भी काफ़ी उतर चुके हैं. तो सेम जो है वो मेरे साथ भी हुआ है. तो आज हम अपना डाई जो है वो कैसे करेंगे घर पे, वो मैं आज आपको बताऊँगी. हमारे पास जो है ये रेवलॉन का कलर है, 50 शेड 50 है इसका, ठीक है. और ये कुछ जस्ट लाइक दैट, ये का कलर बताया गया है कि किन जो हेयर टाइप पे या हेयर जो शेड है आपका उस पर कैसा आएगा. तो देखते हैं कि मेरे हेयर जो है वो उन पर कैसा शेड आता है, ठीक है. इसके साथ इसका डेवलपर भी आपको मिलेगा, और हम ब्रश जो है वो यूज़ कर रहे हैं रिवाज यूके का, ठीक है जी. अब हम इसको कलर को बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी. अच्छा जी, इसके साथ आपको जो है वो आफ्टर कलर कंडीशनर भी मिलेगा, जो आपके बालों को जो है वो सॉफ्ट रखेगा और आपके कलर को स्टे करवाएगा. तो ये इस्तेमाल करना ना भूलिएगा. डायरेक्शन जो है वो हर चीज़ पे लिखी गई हैं. इसके अलावा जो है वो इसके साथ जो पेपर है उसमें ग्लव्स भी हैं, तो काइंडली यूज़ ग्लव्स, ठीक है. क्योंकि अगर आपके बालों का जो कलर है वो अगर आपके हाथ पर लग गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है, तो हमें ख्याल भी रखना है कि हमारे हैंड्स वगैरह जो हैं वो डर्टी ना हो. और ये ग्लव्स दिए गए हैं, ये यूज़ करूँगी मैं, ठीक है. सबसे पहले मैं ग्लव्स वेयर कर लेती हूँ, आफ्टर दैट मैं कलर मिक्सिंग करती हूँ, और फिर इसको हमने अप्लाई करना है 25 मिनट्स. और अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो आपने इनको जो है वो एडिशनल इस कलर को अप्लाई करना है. टोटल फिर हमारा जो टाइम होगा वो होगा 45 मिनट्स. यहाँ पर मेंशन है ईच एंड एवरीथिंग. आप हर चीज़ पढ़ के फिर कोई भी चीज़ अप्लाई किया करें, और बिना कुछ सोचे समझे जो है वो किसी भी चीज़ को अप्लाई करना बिल्कुल गलत है. तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये कलर जो है वो अप्लाई करके देखें, रेवलॉन का. देखते हैं, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना हेयर डाई खुद घर में ट्राई करने जा रही हूँ. आई होप के कलर जो है वो अच्छा निकले, और डाई मैंने कभी भी घर पर इस तरीके से ट्राई नहीं किया है, क्योंकि क्वारंटाइन में सब पॉलर्स बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो मतलब अभी बैन हुआ है. तो कोशिश करते हैं कि घर में हमारा कलर किस तरीके से रिफ्रेश हो जाता है. अच्छा जी, अब ये देखें, हमने निकाल लिया कलर, ठीक है. कोई से भी डिस्कार्डेड बाउल जो है वो आप ले लें, उसको अच्छी तरीके से. अब हमने ये जो है इसकी ऊपर की टॉप नोजल को जो है वो कट करना है. ये कलर मिक्स करना है हमने, है मत भी दिल में तंग कर रहे. अच्छा जी, ये मिक्सिंग देखें हम कर रहे हैं. अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्सअप करना है. अच्छी तरीके से मिक्सअप हो चुका है, अब इट्स रेडी टू यूज, ठीक है. हम इसको अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि एंड कर. हेलो, अब सबसे पहले हमने अपने हेयर्स को स्मूथ करना है, ठीक है, किसी भी वुडन ब्रश लेके. और आप इसको अच्छी तरीके से अपने हेयर को स्मूथ कर लेंगे और उनके सेक्शन बना दें, ठीक है. सेक्शन बनाने के बाद हम इसको कलर को अप्लाई करेंगे.
चलिए हमने बालों के सेक्शन ले लिया, अब हम सेक्शन पे ये हेयर कलर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि हमारा जो हेयर कलर है वो स्कल्प पे इतना ज़्यादा ना लगे। एक पोर्शन लेना है, ठीक है, हमने ऊपर अप्लाई कर लिया, अब हम इस पर नीचे अप्लाई करेंगे। अब हमने इसी तरीके से दूसरा पोर्शन लेना है, दूसरे पोर्शन में भी ऊपर से नीचे तक इवनली हमने कलर अप्लाई करना है। टिप तक बिल्कुल अप्लाई करना है हमने कलर को। फिर हमने ये थर्ड पोर्शन और इसी तरीके से हमने पूरे बालों को अपने कवर करना है। अच्छा जी, हमने हेयर कलर जो है वो अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद किसी भी कैचर से जो है वो टाई अप कर लेंगे और आफ्टर 25 मिनट्स, और अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो यानी अगर आपके सफेद बाल हैं तो उनमें हम 45 मिनट्स देंगे। आफ्टर 45 मिनट्स में इसे वॉश करूँगी, जो मैंने आपको कंडीशनर दिखाया था वो अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, देखें, दिस इज़ द फाइनल लुक। ये अभी हुए हैं और इनका कलर आप देखें कि चेंज हो गया है बिल्कुल, और वो जो एक गोल्डन सा कलर आ रहा था मुसलसल, और मतलब एक तरीके से बिल्कुल ब्लीच रह गया था, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल ना, और अच्छा सा नेचुरल सा कलर आ गया। तो डू ट्राई दिस हेयर कलर, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आप पे कैसा लगा ये कलर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको पिक्चर्स जो है वो दिखाई थी कि मेरा हेयर कलर क्या था और अब ये हेयर कलर क्या हो गया है। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम एंड अल्लाह हाफिज़।